फॉलिंग लाइफ, जैसे कि कोविड हुआ, सब लोग बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, पता नहीं ये मार्केट जो इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो रहा है ये कब रिकवर होगा, और हमें ये भी नहीं पता कि ये कब तक गिरेगा। तो इसको हम कहते हैं फॉलिंग नाइफ, बिकॉज अगर आप गिरते हो ये प्राइस को, फॉलिंग नाइफ इज समथिंग, आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ कट जाएगा, राइट। तो अगर आपने सोचा कि अरे 200 वाला स्टॉक 100 हो गया है, अब खरीद लेता हूं, बट 100 पे खरीदने के बाद अब वो प्राइस 50 भी जा सकता है, आपको नहीं पता है वो कितना नीचे जाएगा। अनदर थिंग इज फॉलिंग केक। तो फॉलिंग केक खाने में किसी को मजा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अदानी के स्टॉक्स थे, तो हमें पता था कि वो न्यूज बेस्ड है, बिकॉज ऑफ सम न्यूज वो प्राइस नीचे जा रहा है, बट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, बिजनेस सेम टू सेम है वही जो कि हाईएस्ट प्राइस पे चल रहा था तब था, एंड अदर देन दैट हाई ऑल टाइम उन्होंने हाई प्रॉफिट्स दिए हैं। दैट्स समथिंग कि हाँ आप बाय कर सकते हैं जब प्राइस अच्छा खासा नीचे आ जाता है, बिकॉज यू नो कि अल्टीमेटली उस प्राइस को ग्रेविटी लेके ऊपर ही जाना है।